वेलकम लर्नर्स, मैं हूं शिवेश देवनाथ, फिर से आ चुका हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हम लोग रिएक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट का जो सीरीज में बना रहा हूँ, इस वेबसाइट डेवलपमेंट में लास्ट दो सीरीज में ऑलरेडी इसका एडवांस लेवल सेटअप करने का जो प्रोसीड्यूर है वो मैंने दिखाया था, जिसमें हम लोग सैस को किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप सैस जो फाइल होता है उसको एडवांस लेवल में मॉडिफाई करके कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने दिखाया था। इसके अलावा एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वेबसाइट का यूजिंग रिएक्ट जेएस, वो भी मैंने दिया हूँ। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे 3 वीडियोस डल चुके हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे कस्टम फॉन्ट या डिजाइन फॉन्ट किस तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कस्टम फॉन्ट बेसिकली दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कस्टम फॉन्ट हम लोगों को कहाँ से मिलता है? ज्यादातर कस्टम फॉन्ट्स हम लोग गूगल फॉन्ट्स साइट से डाउनलोड करते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स जो साइट है, इस साइट में जाने के बाद आपको अलग अलग डिजाइन का फॉन्ट्स आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग डिजाइन का फॉन्ट्स मिलता है, तो ये सारे फॉन्ट्स को आप एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट स्टाइल जाके ये जो लिंक है, इस लिंक को आप यूज कर सकते हो। तो इस लिंक को लेकर इसको डायरेक्टली पब्लिक में जाना है, और पब्लिक में जाने के बाद यहाँ पे index.html के बाद हेडर में इस लिंक को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली बोलकर ऑलरेडी ये आ चुका है। अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लोगो में थोड़ा डिजाइन चेंज करने में, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हेडर वाला जो सेक्शन बनाए थे, इस हेडर सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लोगो बोलकर एक क्लास नेम दे देता हूँ। और अभी इस लोगो को सेटअप करने के लिए अभी app.css के अंदर मैं डाल रहा हूँ लोगो बोलकर, इस लोगो में फॉन्ट फैमिली करके यहाँ पे फॉन्ट फैमिली नेम ये डाल देते हैं। अभी ये सैस कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल एक बार हो जाने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे डिजाइन आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का अगर कस्टम फॉन्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पे डालते हैं, तो ये जो फॉन्ट स्टाइल का जो सेक्शन है, ये मेनली हेडर वाला पार्ट में है। तो इसलिए इसको काट करके पार्शियल जो SCSS फाइल्स हम लोग रख रहे हैं, उसमें एक हेडर बोलकर एक अलग से फाइल बनाते हैं, और उसमें SCSS करके दूसरा एक फाइल बनाए जिसके अंदर इस फॉन्ट फैमिली जो है लोगो इसको डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो फाइल है इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो अभी इस लिंक हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से कुछ अपडेट्स आएगा, जिससे क्या हुआ, फाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस यहाँ पे बना चुके हैं, जिससे जितने भी फाइल्स है वो सारे एक साथ में कंपाइल होकर app.scss के अंदर पड़ता है, तब जाके ये कंपाइल होकर रिएक्ट एनवायरनमेंट के साथ वो मर्ज होता है। बेसिकली ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस को कंप्लीट करने के बाद जाके app.css के अंदर सारे जो सिंटैक्सेस है वो यहाँ पे आ जाता है एक ही फाइल के अंदर। और ये सारे सीसेस आ जाने के बाद इसको मर्ज करते app.tsx के अंदर, जहाँ पे app.css जो फाइल है इसको कंबाइन करते और कंबाइन करके इस रिसोर्सेस को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते जब ये बिल्ड होता है। तो अभी तो बिल्ड नहीं हो रहा है, अभी तो हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो इसलिए वो बिल्ड मतलब प्रोसेस नहीं दिख रहा है, बट इस तरह हम लोग सैस फाइल को मैनेज कर ले। तो ये है बेसिकली सैस फाइल मैनेज करने का ऑप्शन। लेकिन अगर हम लोग इसको जो फॉन्ट स्टाइल जो है, इस फॉन्ट स्टाइल को तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह यूज किया। इसके अलावा और एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग इसको लोकली इम्पोर्ट करके ऐसे भी कर सकते। तो इम्पोर्ट करके करने के लिए जो प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिखा है कि इसको इम्पोर्ट करके ऐसे UL सेटअप करके इसको भी हम लोग इस SCSS या पे जो लोगो वाला यूज करना था इसके ऊपर ऐसे हम लोग इसको लिंक करके भी रख सकते हैं। तो ये दूसरा प्रोसीड्यूर है जहाँ से इस फॉन्ट स्टाइल का जो डिजाइन है वो हम लोग के ऐप के अंदर दिखे। और तीसरा जो प्रोसीड्यूर है, इसको लोकली डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को सेटअप करेंगे अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सोर्स फोल्डर है, इस सोर्स फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा FONTS फॉन्ट्स। इस फोल्डर के अंदर जो डाउनलोड किया हुआ फॉन्ट है उसको सेटअप करना होगा, जो डाउनलोड किया हुआ था उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दिया। ये अगर हम लोग करते हैं तो ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है गूगल में इस URL का लिंक चेंज हो जाए फर्दर। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर हम लोगों का CDN लिंक रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं CDN लिंक, जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक बोलते हैं, ये लिंक अगर किसी तरह फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए या फॉन्ट ना मिले, हम लोगों के डिजाइन बिगड़ जाएगा। तो इस डिजाइन को अगर
इंटैक्ट रखना है तो हम लोगों को डेफिनेटली उस फॉन्ट को डाउनलोड करके लोकली सेटअप कर लेना चाहिए और लोकली सेटअप करके उसके बाद यूज करना चाहिए जब हम लोग प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाते हैं। तो इसका जो सेटअप प्रोसीजर है ये थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है। तो इस प्रोसेस को कैसे मेंटेन करते हैं, जब हम लोग इस फॉन्ट्स को लोकली डाउनलोड कर लिया हम लोगों को अभी यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम होगा npm i means install और उसको डिपेंडेंसी मोड पे सेव करना होगा। तो -- सेव जो कि एक्चुअली आता है package.json में जाते हैं, ये जो डिपेंडेंसीज है इस डिपेंडेंसीज के अंदर वो आता है, उसका नाम होता है वेब फॉन्ट लोडर बोलकर एक पैकेज होता है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब हम लोग ये फॉन्ट लोडर को डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इस फॉन्ट को फॉन्ट फैमिली के साथ सेटअप करना पड़ेगा। तो फॉन्ट फैमिली सेटअप करने के लिए _fonts.scss करके एक अलग से फाइल क्रिएट किया। तो फॉन्ट फैमिली को सेटअप करने के लिए यहाँ पे एक सिंटैक्स होता है css सिंटैक्स जिसका नाम है @fontface। इस फॉन्ट फेस के अंदर नाम डालते पहले जिस नेम का फॉन्ट यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फॉन्ट नेम है फुगल्स। तो इस फॉन्ट को लिंक करने के लिए डबल डॉट करके ऊपर में गया क्योंकि ये जो फाइल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर पहले सोर्स स्ट्रक्चर में गया। सोर्स स्ट्रक्चर में जाके फॉन्ट्स को ढूंढना है, फॉन्ट्स को ढूंढने के बाद फॉन्ट गूगल और उसके बाद गूगल रेगुलर जो आसानी से मिल जाता है। तो इसको डालने के बाद इसको सेव करना है। ये फॉन्ट फैमिली को सेटअप करने के बाद एक बार देखना होगा कि यहाँ पे जो सेटअप है ये सेटअप किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आया नहीं क्योंकि ये फॉन्ट जो है ये पहले से header.scss के अंदर सेटअप था। तो इसको पहले हटा देते हैं, हटा देने के बाद फिर इसको सेटअप करें क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आना चाहिए था जिससे ये जो फॉन्ट रेजुलेशन जो होना चाहिए था वो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे फॉन्ट जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे जो फॉन्ट जो है उस फॉन्ट को यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्ट करने के लिए .scss जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर से फॉन्ट्स को यहाँ पे लिंक करना होगा। तो अभी यहाँ पे जब लिंक किया तो अभी यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। ये दिक्कत मेनली इसलिए आया कि ये जो फॉन्ट्स जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये फॉन्ट फोल्डर स्ट्रक्चर पे डबल डॉट जो डाला, डबल डॉट एक्चुअली यहाँ जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से डाला हुआ है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है तो लॉन्च हो रहा है सोर्स फोल्डर से, एक्चुअली index.tsx से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को पाथ को रिलेटिव बनाना पड़ेगा। तो उसका रिलेटिव पाथ कुछ इस तरह होता है जो यहाँ पे इस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा और एक काम करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे वेब फॉन्ट लोडर यूज किए थे जिससे हम लोगों को फॉन्ट लोडिंग का प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे index.tsx के अंदर जाना पड़ेगा और इसको जाने के बाद यहाँ पे इम्पोर्ट वेब फॉन्ट लोडर फ्रॉम वेब फॉन्ट लोडर इस फाइल को यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अपना जो काम कर रहे वो TSX में काम कर रहे। TSX means TypeScript XML। यहाँ पे mainly JS जो फाइल है बेसिकली वेब फॉन्ट लोडर्स में ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट फाइल है JS फाइल, बट उस फाइल से हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन दे दिया क्योंकि यहाँ पे टाइप वाला फाइल हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। टाइप मतलब जो कि, तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला जो सजेशन में दिया है इस सजेशन को हम लोग को काम पे लगाना पड़ेगा। तो अभी इसको सेटअप करने के लिए पहले टर्मिनल को ऑफ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा साइन दिया है उसको अपनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे वो जो सिंटैक्स जो लिखा हुआ था उस सिंटैक्स को अभी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। करने के बाद यहाँ पे टाइप्स क्लास फॉन्ट्स लोडर जो टाइपस्क्रिप्ट सपोर्टेड लाइब्रेरी है वो यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। जब ये लाइब्रेरी आ जाता है तब यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ पे वेब फॉन्ट लोडर जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बना उसके बाद यहाँ पे लोड करके कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना होगा। तो खास करके हम लोग जो भी फॉन्ट्स यहाँ पे यूज करने वाले गूगल फॉन्ट्स, तो गूगल फॉन्ट्स का अभी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज बोलकर हम लोग फैमिलीज डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज जो है बेसिकली गूगल बोलकर जो फॉन्ट फैमिलीज है इस फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे सेटअप करना है। अभी के लिए जो भी लाइब्रेरीज के अंदर जो भी फाइल्स या फोल्डर जो भी हम लोग रखेंगे वो प्रॉपरली लोड हो पाएगा जिसमें किसी भी तरह का दिक्कत होगा नहीं। तो इसलिए ये सेटअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अपना एनवायरनमेंट जो है इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं है क्योंकि सिंपली जो फॉन्ट ऑलरेडी हम लोग सेटअप कर चुके थे उसी फॉन्ट यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी और भी बहुत सारा फॉन्ट्स यहाँ पे डाल दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ फॉन्ट्स मैंने यूज किए थे जो फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो फॉन्ट्स मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है मैं उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने जितने भी फॉन्ट्स लाइब्रेरी यहाँ पे डाला हुआ है वो सारे फॉन्ट्स लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, कॉल करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जितनी भी फॉन्ट्स लाइब्रेरी जो है, इस फॉन्ट्स लाइब्रेरी को अभी लिंक करता हूँ। लिंक करने के लिए यहाँ पे डबल डॉट जो बैठा हुआ था उसको सिंगल डॉट में सेटअप करना होगा। यहाँ पे जो भी फॉन्ट्स था वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है, बट अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पेसिफिको बोलकर फॉन्ट स्टाइल है जिसको मैंने यहाँ पे लोगो में यूज करना चाहता हूँ। तो देखते हैं अभी इसको सेव करने के बाद। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो फॉन्ट स्टाइल चाहिए था वो फॉन्ट स्टाइल चेंज होकर यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी ये जितने भी फॉन्ट्स यहाँ पे है, इस सारे फॉन्ट्स को अभी यहाँ पे फॉन्ट लोडर्स के अंदर हम लोग सेटअप कर देंगे, जो कि फाइनली प्रोडक्शन रेडी ऐप जब बनने का उसमें ये सारे फॉन्ट फैमिली पे लिखा हुआ है, ये सारे लोड हो जाए। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आइकॉन डालने के लिए फॉन्ट ऑसम, ये बेसिकली ऑफिशियल साइट है जहाँ पे जाके आपको फॉन्ट ऑसम का जो वर्सन है, करंट वर्सन हम लोग यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे दो तरह का आइकॉन मिलता है, एक फ्री आइकॉन और एक पेड आइकॉन। हम लोगों को फ्री आइकॉन से जितना हो सके काम हो जाता है, तो यहाँ पे फ्री आइकॉन डाउनलोड करने के लिए npm install इस सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी कॉपी करना होगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने के लिए हम लोगों को अभी जो यहाँ पे कॉपी किया कमांड को, उस कमांड को विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल पे डाल के सेव करना होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे आ चुकी है। अभी यहाँ पे जो app.sss वाला जो फाइल है इसके अंदर जो लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट करना होगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डॉट डॉट करके नोट मॉड्यूल फोल्डर के अंदर जाना होगा, उसके बाद @ फॉन्ट ऑसम फोल्डर। इसके बाद यहाँ पे दो अलग अलग फोल्डर होता है, एक SSS फोल्डर है और एक CSS फोल्डर है। इसी जगह से हम लोग फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट्स यूज करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट ऑसम डॉट SSS वाला जो फाइल है इस फाइल को लिंक कर लेते हैं। फिर से हम लोग अपना जो एनवायरमेंट है इसको स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी ये लोड हो चुका है, तो अभी हम लोग जाते हैं ऐप फोल्डर के अंदर। ऐप फोल्डर में जाके या फिर नैप पर बोलकर जो लेआउट पार्सल है, इस लेआउट के अंदर जाके होम जो नेविगेशन मेनूबार है उस होम नेविगेशन मेनूबार के अंदर आइकॉन सेट करते हैं। ये बेसिकली फॉन्ट ऑसम आइकॉन। तो फॉन्ट ऑसम आइकॉन के लिए यहाँ पे ऐप है, इस आइकॉन का सेटिंग जो है वो हम लोगों को दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके होम बोलकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला फ्री आइकॉन है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आइकॉन अभी यहाँ पे दिख रहा है ये पेड आइकॉन है। ये फ्री जो होम आइकॉन है इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइकॉन यूज करने का एस्टीमेट कोड दे दिया है। तो अभी इस एस्टीमेट कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लास था, तो क्लास को चेंज करके क्लास नेम करना होगा। तो जितने भी फॉन्ट्स CSS है सबको यूज करना होगा एज ए लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पे ऑल में जाके all.min.css इसको सेटअप करेंगे। तो क्या होगा, फॉन्ट ऑसम के जितने भी लाइब्रेरी फ्री में मिलता है वो सारे यहाँ पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे होम वाले जो आइकॉन यूज करना चाह रहे थे वो यहाँ पे आ चुके। तो यही रहा आज का टॉपिक, आज का ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरी इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी वाला जो आइकॉन है वो भी दबा दीजिएगा। और आपके लिए एक खास खबर है, अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना तो उसके लिए मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे मैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराता हूँ। उसके लिए मेरा साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो के साथ।